मजाज लखनवी की एक नज़्म है, नर्स। वो एक नर्स थी चारागर जिसको कहिए, मदावाए दर्दे जिगर जिसको कहिए, जवानी से तिफली गले मिल रही थी, हवा चल रही थी कली खिल रही थी, वो पुर रोब तेवर वो शादाब चेहरा, मताए जवानी पे फितरत का पहरा, मेरी हुक्मरानी है अहले जमी पर, यह तहरीर था साफ उसकी जबी पर, सफ़ेद और शफाफ कपड़े पहनकर मेरे पास आती थी एक हूर बनकर, कभी उसकी शोखी में संजीदगी थी, कभी उसकी संजीदगी में भी शोखी, घड़ी चुप घड़ी करने लगती थी बातें, सिरहाने मेरे काट देती थी रातें, सिरहाने मेरे एक दिन सर झुकाए, वो बैठी थी तकिए पे कोहनी टिकाए, ख्यालात पहम में खोई हुई सी, न जागी हुई सी न सोई हुई सी, झपकती हुई बार बार उसकी पलकें, जबी पर सिकन बेकरार उसकी पलकें, मुझे लेटे लेटे शरारत की सूझी, जो सूझी भी तो किस शरारत की सूझी, जरा बढ़ के कुछ और गर्दन झुका ली, लबे लाल अफसा से एक सह चुरा ली, वो सह जिसको अब क्या कहूँ क्या समझिए, बहिस्ते जवानी का तोहफा समझिए, मैं समझा था शायद बिगड़ जाएगी वो, हवाओं से लड़ती है लड़ जाएगी वो, मैं देखूंगा उसके विफरने का आलम, जवानी का गुस्सा बिखरने का आलम, इधर दिल में एक शोर महशर बपा था, मगर उस तरफ रंग ही दूसरा था, हंसी और हंसी इस तरह खिलखिलाकर कि शम्माए है कि शम्माए हया रह गई झिलमिलाकर, नहीं जानती है मेरा नाम तक वो, मगर भेज देती है पैगाम तक वो, ये पैगाम आते ही रहते हैं अक्सर कि किस रोज आओगे बीमार होकर। जगह भी बता दीजिए जहाँ जगह है, चंद्रे जिसकी ऐतिहासिक महत्ता ये है कि कहा जाता है कि बाणभट्ट ने यहाँ पर ही आकर के कादम्बनी की रचना की थी, तो कादम्बनी का रचना संसार यहीं कहीं बिखरा हुआ है, जिसको लेकर के इसको जिसकी खोज को लेकर के द बिहार मेल की टीम यहाँ पहुँची और इस पूरी आबो हवा में मजाज लखनवी के इस नज्म के बाद आपसे मुलाकात की। के तट पे ही हमें ये बैठे हुए एक भाई साहब मिल गए हैं, यहाँ एक मंदिर भी है, जरा आ रहे आप लोग, मैं दिखा दूँ आप सभी लोगों को, ये एक मंदिर है, शिव का मंदिर है। शिव का भी मंदिर है, गणेश की भी प्रतिमा है, और एक और प्रतिमा है जो बुद्ध या महावीर जैसी लग रही है। ये वो भंवर सिंह पुल है और यहाँ महान सोन और बनास ये तीन नदियाँ मिलती हैं आकर के, चौथी भी आप नदी है कौन सी बता रहे थे? महान और बनास। महान, बनास, सोन और नेवनाड़, एक और नेवनाड़ नदी है। यहीं पर बाणभट्ट ने कादम्बिनी रची थी, उस तरफ भी एक बिल्कुल, मैं आपको जरा सा जूम करता हूँ, पुल के कोने पर जो सफ़ेद एक दिखाई पड़ रहा है छोटा सा पेड़ों के झुरमुटों में ढका हुआ, वो एक मंदिर है। बनास कौन सी है और इसमें महान कौन सी है? बनास जो सामने पश्चिम साइड में है और महान जो पूर्व साइड में, जो पेड़ ऊंचा सा दिखाई दे रहा है उधर, तो पूर्व साइड से वो महान और नेवनार ही वहाँ जॉइंट हुई है बनास में, और तीनों मिलकर के इधर शिव बाबा के पास में सोन में जॉइंट हुई हैं, तो अब इधर से फिर चार मिल गए हैं यहाँ। जी, तो ये जो आपके पीछे दिखलाई पड़ रहा है वो सोन नदी है। जी, ये सोन नदी है और वो ये तीनों आकर के यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ मिलती हैं, है ना। और सोन नदी पर बना हुआ ये पुल है, भंवर पुल। यहाँ के बाद आगे जो नदी जाती है उसको सोन ही कहते हैं। यही सोन फिर यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश बिहार में चली जाती है। ये सोन का तट है या तीन नदियों का संगम, और ये जो छोटी छोटी जो दिखलाई पड़ रही हैं वो गायें हैं, गायें हैं, भैंस हैं। गायें और गायें जो होती हैं वो आमतौर पर पानी से बसती हैं और पानी में तैरती तो बहुत ही कम है, मगर यहाँ जो एक अद्भुत दृश्य देखने को हम लोगों को मिला,
कि गाय बिल्कुल जत्थे में दर्जनों की संख्या में नदी पार कर रही हैं। और पीछे मैं ज़रा सा घुमाता हूँ, वो तो भैंस ही है, भैंसों का ही जत्था है। मगर इससे पहले जो सबसे पहली लॉट देखने को मिली थी वो लॉट गायों की थी। और ये चंद्रे है जहाँ वाणभट्ट ने कादंबनी रची थी, वो पुल है, उसी के आसपास तीन नदियों का संगम है। सीधी जिले में चंद्रे एक बेहद खूबसूरत सी जगह है। ये वो गायें हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं नदी पार करने के बाद। कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार वाणभट्ट हैं। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। इसकी कथा संभवतः गुणाढ्य द्वारा रचित बड्ड कहा वृहत कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ वाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, अधूरा ग्रंथ रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। जहाँ हर्षचरितम आख्यायिका के लिए आदर्श रूप है, वहाँ गद्य काव्य कादंबरी कथा के रूप में बाण के ही शब्दों में इस कथा ने पूर्ववर्ती दो कथाओं का अतिक्रमण किया है। ये उसके बाद ये संस्कृत में लिखते हैं, अलब्ध वैदध्य व्यास मुग्धया धिया निवेद्य मतिदयी कथा कादंबरी। संभवतः यह कथाएं गुडाढ्य की बृहद कथाएं सुबंधु की वासवदत्ता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाण इस कृति को संपूर्ण किए बिना ही दिवंगत हुए, जैसा कि उनके पुत्र ने कहा है, याते दिवं पितरी तदच सार्ध विच्छेदम आप भुवि यस्तु कथा प्रबंध दुखम सदा यद समाप्ति कृतम विलोक्य प्राणब एवं समयान कवित्रपात। पुलिंद अथवा भूषण ने इस कथा को संपूर्ण किया। कथा वस्तु जो है कादंबरी की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। इसमें एक काल्पनिक कथा है जिसमें चंद्रापीण तथा पुंडरी के तीन जन्मों का उल्लेख है। कथानुसार विदिशा नरेश शूद्र के दरबार में अति सुंदरी चांडाल कन्या वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है। यहाँ भी तोता एक किरदार है कहानी का। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। राजा के प्रश्नोत्तर में तोता बताता है कि उसके तोते की माता मर चुकी है। ये तोता पुरातन जमाने का है। ये तोता वो नहीं जिसे भारतीय राजनीति में जो CBI है उसको भी तोता कहा जाता है, ये वो तोता नहीं है। तो उसके पिता को आखेटक ने पकड़ लिया था और तथा उसे जाबाली मुनि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए। इसी के बीच ऋषि जाबाली द्वारा राजा चंद्रपीड तथा उसके मित्र वैशंपायन की कथा है। उज्जैनी में तारापीठ नाम का एक राजा था जिसका शुकनाश नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। राजा को चंद्रापीड नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन था। दिग्विजय के प्रसंग में चंद्रापीड एक सुंदर अछद्दो सरोवर पर पहुंचा जहां असमय में दिवंगत प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा करते हुए काम पीड़ित कुमारी महाश्वेता नाम की एक सुंदरी उसे मिली। महाश्वेता ने अपनी सखी कादंबरी के विषय में चंद्रापीड को बताया और उसे कादंबरी के पास ले गई। प्रथम दर्शन से ही कादंबरी और चंद्रापीड को प्रेम हो गया। तभी चंद्रापीड के पिता ने उसे वापिस बुलाया और अपनी पत्र लेखा नाम की परिचारक को कादंबरी के पास छोड़कर चंद्रापीड वापस आई। तो ये हमारी कोशिश है कि हम आपको मध्य प्रदेश, बहुत ही खूबसूरत राज्य है मध्य प्रदेश, एक ज़माने में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बचने के बाद, एरिया वाइज तो वो बड़ा राज्य नहीं रहा, मगर इसकी खूबसूरती अब देखते ही बनती है अलग अलग जगहों पर। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरी समझ से विंध्य पर्वत की श्रृंखला हैं। कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी अलग अलग जगहों में जब ये आगे जा करके जानी जाती हैं, मगर विंध्य की ही पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ जो जिस जगह पर हम इस समय मौजूद हैं वो वही जगह है जहाँ वाणभट्ट ने कादंबरी रची थी। और जैसा गर्वित भी बता रहे थे आप सभी लोगों को, ये विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी